हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक लेंस। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प शेयर की। तो ये शेयर काफ़ी दिनों से गिर रहा है और अगर अपन बेसिकली देखा जाए तो अपने हाई से ये स्टॉक 43% डाउन है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये शेयर कहाँ तक गिर सकता है और इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है वो क्या निकल के आता है, और अगर आप ऊपर के लेवल पर फंस रखे हैं तो आप कहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर आप देख पाए तो यहाँ पर एक सपोर्ट था जो कि ये, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे सपोर्ट था। पहले ये रेजिस्टेंस था और एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट के तहत इसने इसको तोड़ करके ऊपर गया था और दोबारा रिटेस्ट करने आप मान लीजिए यहाँ पर आया है। तो बट अगर यहाँ पर कोई भी बुलिश साइन नहीं देखता है, जब तक आप कोई भी एंट्री मत करिएगा अगर आप फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं, या आप सोच लीजिए सपोर्ट पर, क्योंकि बुलिश साइन का दिखना बहुत ही जरूरी है। अब बुलिश साइन वो किसी भी रूप पर हो सकता है, या तो ग्रेवस्टोन डोजी हो, या तो और कोई भी एक बुलिश कैंडल हो, या तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो। तो और अगर अपन ये भी देखा जाए कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, तो अपन को क्लियरली यहाँ पर एक फीबो सीरीज लगा लेते हैं। थोड़ा टाइम फ्रेम वीकली का करते हैं और एक लो को एक हाई से जोड़ देते हैं। तो क्लियरली अपन को ये दिखता है कि अभी लास्ट जो लेवल है वो 162 है। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, और एक जो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है जहाँ पर अभी ये स्टे है, वो लेवल है 196 का। तो जब तक ये दोनों लेवल एक अच्छी बेयरिश कैंडल से ब्रेक नहीं होते, तब तक तो ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ये आप मान के चलिए कि एक छोटा सा ये हल्का सा ऊपर जा करके पुल बैक लिया है, या तो यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ फिर से अगली कंटिन्यू कर सकता है रैली को। तो अपन अब मुद्दे की बात करते हैं कि अगर आप फंस रखें इस शेयर में तो आपको कहाँ पर एवरेजिंग करना चाहिए। सो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मंथली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट है, एग्जैक्ट ये जो कि वो सपोर्ट के लेवल निकल के आते हैं 180 के जोन पर। तो अगर यहाँ पर वो आ करके थोड़ा भी बुलिश शाइन दिखाता है तो आप बिल्कुल भी चूकेगा मत, यहाँ पर आप एवरेज डाउन जरूर करिएगा। और बाकी स्टॉक में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं स्टॉक के, बस थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट्स गड़बड़ है इसलिए ये स्टॉक गिर रहा है। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, आप बस बिंदास होल्ड करके चलिए अगर आपने इन्वेस्टिंग के लिए ले रखा है, और ट्रेडिंग के लिए ले रखा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर अगर बुलिश साइन बनता है तो नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे करके ट्रेड को आप इंजॉय करिएगा। बट हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि बुलिश साइन बनना चाहिए, तभी आप और भी एवरेजिंग कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तो। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडे साइड। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे आप वो कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक टारगेट ओनली 25 लाइक्स का है, और चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। डेट्स ऑल फ्रॉम टुडे साइड। सी यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू।